संत भाई बहादुर सिंह यादगार गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से एलओसी पर लगाया गया निःशुल्क चिकित्सा शिविर, जिसमें मुफ्त दवाइयाँ बांटी गई। इस चिकित्सा शिविर में बाहरी राज्यों के डॉक्टर विशेष स्तर पर पहुंचे और लोगों का चेकअप कर दवाइयाँ बांटी। इस चिकित्सा शिविर का उद्घाटन जिला विकास आयुक्त ने किया। इस चिकित्सा शिविर में हजारों की संख्या में लोगों ने चेकअप करवाया। ये चिकित्सा शिविर हरचरण सिंह खालसा के नेतृत्व में लगाया गया। गुरमत समागम गुरद्वारा यादगार संत भाई बहादुर सिंह जी देहरी साहब तरनसार खड़ी विखे चल रहा है। अज का एक अहम प्रोग्राम है जिसे फ्री मेडिकल कैंप जो चल रहा है, जिसे साढ़े को श्री अमृतसर साहब तो आर्थोपेडिक उत्ते अमृतसर हड्डियां के इलाज के लिए मनिया जाता है। इतों लोग उत्थे जाते हैं और गुरु साहब ने कृपा की उतों के बहुत मशहूर हॉस्पिटल रणजीत हॉस्पिटल के एक आर्थोपेडिक साढ़े को स्पैशलिस्ट जो है उसके पूजे इंद्र मोहन शर्मा नाल ही साढ़े जम्मू के मने हुए जो रेडियालॉजिस्ट हैं फिजिशियन हैं और आई स्पैशलिस्ट ने साढ़े को पूजे हैं। पूंछ के जो साढ़े इतों के स्थानक डॉक्टर हैं जो बड़ी मेहनत करके इतने लोगों को दवाई अमल करते हैं वो भी सारे पूजे हैं। फ्री दवाई का वितरण जो है वो डॉक्टर रणवीर सिंह शंटी जो हमेशा हर साल इतने करते हैं वो भी पूजे हैं। आप सारे प्रति बेनती है कि आप जी इस तरीके नाल गुरु घर के हर काम में शामिल होकर जो गुरु घर की रवायत है उसनु जरूर चलाओ ताकि एक साझा उपदेश जो है मुल्क दे विच सारी दुनिया दे विच जावे कि गुरु नानक घर का जो पैगाम है वो साझा है वो सारे दे लई है वो लोड़वंदा दे लई है। मैं सवेर तकरीबन 9 बजे तो लोगों का तांता लगाओ असी महसूस करते हैं गिनती असी बाद पता लग जाएगी क्योंकि तो रजिस्ट्रेशन होती है बकायदा पर असी महसूस कर रहे हैं कि बहुत बड़ा रश है गर्मी भी है लेकिन तभी असी कोशिश की है कि संगतों पेशेंट न जो सहूलियात भी सागियां दिखाई जावन उन्होंने खान पान का इंतजाम उन्होंने बैठन का इंतजाम वो भी किया जाए। असं महसूस कर रहे हैं कि बहुत सारी जो जनता है बगैर मजबो मिलत जो गुरु घर का असूल रहा है ना हम हिंदू ना मुसलमान अल्लाह राम के पिंड प्राण वो तहत हर बनीनो इंसान तक पूजा है। असी देखिए पहली चीज़ तो ये है कि जो गुरुद्वारा देहरी साहब धर्मशाल खड़ी है ये गुरुद्वारा सरहद के नज़दीक वाक़ है और हमारे देश के बहुत ही अहम गुरुद्वारों में से है जहाँ पर सिर्फ
जो गुरुद्वारे के रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो ही नहीं बल्कि खिदमत खल्क का जो काम है वो भी ये गुरुद्वारा करता है। आज के इस दिन में गुरुद्वारे में जिस एक मेडिकल कैंप का इनॉग्रेशन किया गया, इस कैंप में मैं देख रहा हूँ कि और आप भी देख पा रहे हैं कि यहाँ लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम है कि लोग जो हैं मुख्तलिफ जो स्पेशलिस्ट हैं, चाहे वो ऑर्थोपेडिशियन हैं, चाहे वो आई स्पेशलिस्ट हैं, दिगर जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और ये जो काम है, जो इंसानियत की खिदमत खल्क का जो काम है, देहरी साहब गुरुद्वारे से जो किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। ये गुरुद्वारा सरहद के बिल्कुल नज़दीक है और इस गुरुद्वारे की एक तारीख है और अपने आप में ये गुरुद्वारा एक मुनफरद मिसाल रखता है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो गुरुद्वारा कमेटी है, इनको प्रधान जी को और यहाँ जो देहरी साहब गुरुद्वारा के जो प्रेसिडेंट हैं उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने इस तरीके का जो इनिशिएटिव लिया है जिसके ज़रिए यहाँ बॉर्डर एरिया के जो लोग हैं, सरहद के लोग हैं, जिनको अक्सर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनका फुकदान रहता है, तो इस तरीके की मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ तक पहुँचाना। मैं अमृतसर से स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए हैं, जम्मू से डॉक्टर आए हैं, यहाँ लोकल पुंछ के डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं, तो तमाम किस्म की जो फैसिलिटीज़ हैं और फ्री अद्वियात जो है वो मुहैया कराई जा रही है। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिससे खिदमत खल्क तो हो रही है लेकिन उसके साथ साथ जो सरहदी इलाके के लोग हैं, जो नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले जो लोग हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा ये कैंप जो मायने रखता है। और जो रोज़मर्रा की या जो रूटीन हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनके चेकअप के लिए ये जो हेल्थ कैंप है ये बहुत ही मुनफरद किस्म का हेल्थ कैंप है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ गुरुद्वारा कमेटी को और इस तरीके के जो कैंप हैं उनका इनका करने से लोगों को डेफिनेटली बहुत राहत मिलती है।